चार विचारधारा एक विचार, चार पंच एक परमात्मा, चार मार्ग एक महावीर। हम सब जैन एक हैं। वन जैन बाय जैन न्यूज व्यूज। अभी कोरोना का बड़ा माने प्रकोप क्या बड़ा हवा है, लोग घबराए हुए हैं। कोरोना वायरस विश्व के अंदर अपना भयानक स्वरूप ले चुका है। पूरा विश्व इस महामारी की आगोश में है। तो हमारा सबका कर्तव्य है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें और अन्य की सुरक्षा के लिए हित चिंता करें, पूरे राष्ट्र के लोगों के लिए हित चिंता करें। हमारी सृष्टि में कभी कभी समस्या विशेष रूप धारण कर सकती है। इतना हल्का मत समझिए, देश में बहुत गंभीर स्थिति है। देश जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। सभी देशवासियों ने अपनी अपनी सोच और अपने संयोगों की अनुकूलता के अनुसार कदम उठाया है। यदि हमने मांसाहार का परित्याग नहीं किया, इस प्रकार के मायरे मार्केटों को तिलांजलि नहीं दी, तो मानव को बचना मुश्किल हो जाएगा। ये पूरा विश्व हमारा परिवार है। मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, ये सारा हमारा परिवार है। सबको जीवन जीने का अधिकार है, मारने का अधिकार किसी को नहीं है। ऐसे निर्दोष जीवों को मत मारो। आपके लिए बहुत सारे फल है, फूल है, सब्जियां है, बहुत सारे वेजिटेबल्स है, बहुत सारा और कुछ भी आपके लिए। आप क्यों इस निर्दोष अबोल जीवों की मृत्यु कर रहे हो? अहिंसा की दृष्टि से हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी असावधानी किसी दूसरे के कष्ट का निमित्त न बन जाए। हमारी ओर से इंफेक्शन फैले नहीं, इसलिए और पूरे राष्ट्र के लोगों की रक्षा के लिए ध्यान रखना चाहिए। कोरोना महामारी के माध्यम से हम जीना सीखे हैं। हमने ये जाना है कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, हमारी आकांक्षाओं पर विराम कैसे होगा। तो इसमें से हमें सीखना चाहिए कि हमेशा के लिए हमारे जीवन को हमें सदाचार और मर्यादा से संपन्न बनाना है। हमें समता भाव, शांति का भाव, निर्भीकता का भाव रखना चाहिए। दो काम कीजिए, हर कोई इस भाव से नमो कार्य की एक माला एक निश्चित समय पर सामूहिक रूप से फैले। हम धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, साथ में तप भी कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, अच्छा चिंतन मनन लेखन पठन भी कर सकते हैं। खुद को पॉजिटिव रखने के लिए प्रार्थना, मंत्र, साधना, भावना, पॉजिटिविटी, ये सब कुछ आपको सपोर्ट करेगा। अंदर के आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करें। ये भयानक वायरस की बीमारी से बचने के लिए पवित्र प्रार्थना करें। वो पॉजिटिवनेस प्राप्त करने के लिए ईश्वर की उपासना भी हर रोज करना आवश्यक है। हम मन में ये सोचें, अब ये ठीक हो रहा है, मौसम बदल रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ये वाइब्रेशन दे। कितने को हुआ है हम बोल ना सोचे, 4 लाख लोगों को शायद कोरोना हुआ है, पर 1 लाख से भी ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। इस वायरस से स्वस्थ होकर के आनंद पूर्वक अपने घर पर आ चुके हैं। कोई कष्ट की स्थिति आ जाए तो मनोबल समता भाव अभय रखें और उसके लिए अपने आराध्य परम आत्माओं का स्मरण कर सकते हैं, उनकी शरण ले सकते हैं और अपने आप में स्थित होने का, शांति में रहने का प्रयास करें। हो सकता है कि आपकी लाइफ की ट्रेन आज टनल से पास हो रही है, टनल से जाओ अपनी लाइफ की गाड़ी पास होती तो अंधेरा छा जाता है, लेकिन थोड़ी देर में ही वापिस प्रकाश हो जाता है। कोरोना
वायरस को करुणा से जीतना है, डर से नहीं सावधानी से जीतना है। स्वच्छता जितनी ज्यादा उतना ही इस वायरस से बचने का हमें अवसर मिलेगा। हम एकांत में रहे, अधिक से अधिक अपने परिवार के साथ रहे, लोगों को न मिले जुले, ज्यादा से ज्यादा अपने आप में रह करके अंदर के आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करें। ये भयानक वायरस की बीमारी से बचने के लिए पवित्र प्रार्थना करें। विश्व के सभी जीव सुखी बने ऐसा पवित्र भाव धारण करें। जितनी हमारे भीतर से पॉजिटिविटी जाएगी उतना ही लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा, हमें भी और लोगों को भी। ये बीमारी का जन्म स्थान मांसाहार है। भगवान महावीर ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है कि जियो, उसके बाद जीने दो। भगवान महावीर ने भी ज्ञाता धर्मकथा नाम के आगम में कहा है, यदि आप अपने आप के साथ पॉजिटिव रहते हो तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, आप दूसरों के साथ यदि पॉजिटिव रहते हो तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आता है। पूरे भारतवासियों को और पूरे विश्व के सभी लोगों को मैं भगवान महावीर के अनुयायी के रूप में, जैनाचार्य के रूप में मंगल कामना व्यक्त करता हूँ और आशीर्वाद व्यक्त करता हूँ कि हमारे देश और हमारे विश्व में से सभी प्रकार की पीड़ाएं मिट जाए। कि शत्रु चाहे कितना ही बड़ा हो, हमारी क्षमता यदि बड़ी होती है तो हम जीत जाते हैं। इस महामारी से लड़ें, इस जंग को लड़ें, इस युद्ध को लड़ें और जीत करके दिखाएं और जियो और जीने दो का संदेश सार्थक करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। बस आप सब स्वस्थ हो जाएं, मस्त हो जाएं, जल्द से जल्द अस्पताल से घर आ जाएं और अपने परिवार के साथ, अपने परमात्मा के साथ अपनी प्रसन्नता में क्षणों को प्रसार करें। ये हमारी ओर से मंगल भावना है। मैं सभी के प्रति, पूरे विश्व के मानवों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। मुझे विश्वास है ये भयानक बीमारी बहुत जल्दी चली जाएगी, लोग बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, बहुत जल्दी आनंद को प्राप्त करेंगे। पूरे विश्व के लोग ये बीमारी से बचे, पुनः ऐसी बीमारियां उत्पन्न ना हो उसके ऊपर गंभीर बने और जल्दी से जल्दी भारत और विश्व के लोग इस बीमारी से मुक्त बन करके आनंद प्रमोद और अध्यात्म की वृद्धि करे। यही साधु संतों की ओर से हमारा हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप आने वाले सभी वीडियो की जानकारी भी पा सकते हैं।